हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है मोल्टिंग। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोल्टिंग एंड व्हाट आर द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन मोल्टिंग, आज हम ये पढ़ेंगे। सो गाइस, मोल्टिंग के जो सानोनियम्स हैं वो तीन सानोनियम्स हैं, लाइक स्लफिंग जिसका मीनिंग है टू रिमूव, शेडिंग जिसका भी मीनिंग टू रिमूव है, और एक्टाइसिस डैट मीन्स द रिमूवल ऑफ ओल्ड स्किन। सो ये क्या है, ये तीनों वर्ड्स अगर पूछ लिए जाते हैं, ये तीनों वर्ड्स ही मोल्टिंग के क्या हैं, सानोनियम्स हैं। नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट इज मोल्टिंग। सो मोल्टिंग हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि जो क्यूटिकल लेयर है इंसेक्ट की बॉडी की वो डीग्रेड कर जाती है, दैट मीन्स कि वो ख़त्म हो जाती है और नई जो लेयर है, जो नई जो क्यूटिकल लेयर है, नई और लार्जर लेयर जो बनकर आती है वो रिफॉर्म हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग। सो सिंपली वी कैन से द डीजनरेशन और द डीग्रेडेशन एंड द रिफॉर्मेशन ऑफ द क्यूटिकल इज नोन एज मोल्टिंग। और जो क्यूटिकल होती है इंसेक्ट्स की या एनिमल इन्वर्टिब्रेट्स की, ठीक है, तो वो शेड कर जाती है, मतलब वो रिमूव हो जाती है उनकी ग्रोथ के टाइम पर, ठीक है, और नई और लार्जर कवरिंग जो है वो बन जाती है। आफ्टर दैट क्या होता है कि जो मोल्टिंग के बाद जो आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोड क्या है, एक इंसेक्ट जिनकी तीन पेयर है लेग्स की, ठीक है, हम आर्थ्रोपोड उसी को ही बोलते हैं जिसकी सिक्स लेग्स हैं, डैट मीन्स थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स, ठीक है, और क्या है उसकी जो बॉडी होती है वो फ्रेश पेल और सॉफ्ट बॉडी, इट लुक लाइक अ फ्रेश पेल और सॉफ्ट बॉडी आफ्टर मोल्टिंग, जैसी मोल्टिंग होती है। सो उसके बाद क्या बोलेंगे कि ये जो प्रोसेस है ना मोल्टिंग, ये उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, असेंशियल है, मतलब ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल उनकी जो ग्रोथ, जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे वो अडल्ट होते जाएंगे, उस टाइम पीरियड में उनके लिए जो मोल्टिंग है वो होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो सिंपली मोल्टिंग क्या है, मोल्टिंग का मतलब क्या होगा कि जो उनकी क्यूटिकल लेयर है, जो उनकी बाहर की एक्सोस्केलेटन लेयर है ना, वो रिमूव हो जाएगी जस्ट, ठीक है, और वो रिमूव होने के दौरान ही क्या होगा, उनकी जो बॉडी हो जाएगी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, लाइक जैसे वो बेबी बॉडी की तरह लगेगी। नेक्स्ट बात करेंगे कि जैसे ही वो रिमूव हो जाएगी ना, उसके थोड़े ही एक या दो घंटे बाद नई जो लेयर है वो आ जाती है, ठीक है, तो वो जब लेयर आ जाती है उनकी बॉडी के ऊपर, क्यूटिकल नई जो आ जाती है, तो उनके जो कलर है स्किन का वो धीरे धीरे डार्कन होना शुरू हो जाता है और वैसा ही कलर ले लेता है जैसे वो बिफोर द मोल्टिंग था, आफ्टर 1 or 2 hours के बाद में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कि मोल्टिंग के कौन कौन से फेजेस हैं, हम दो वो प्रोसेस पढ़ेंगे या वो दो फेज पढ़ेंगे जब मोल्टिंग होती है, ठीक है, तो ये इन दोनों का नाम है एपोलाइसिस एंड सेकेंड इज एक्डाइसिस, ठीक है। सो ए वर्ड आ जाता है ना जहाँ पर, एपोलाइसिस, तो एपोलाइसिस से याद रखना है हमने, ए वर्ड पहले आ रहा है, ठीक है, ए लग रहा है इसके साथ, तो हमने ये याद रखना है, एपोलाइसिस का मतलब होता है जो चीज़ पहले आ रही है, ठीक है, अगर यहाँ पे प्री होता तो भी वो पहले आना था, अब यहाँ पे है एपोलाइसिस, तो वर्ड से क्लियर रखना है कि ये मोल्टिंग के पहले का टाइम होगा, ठीक है। देन एक्डाइसिस वो टाइम होगा जब मोल्टिंग हो जाएगी, ठीक है, सो ये हम दोनों पढ़ेंगे। सो होता क्या है, ड्यूरिंग द जब मोल्टिंग होनी होती है, मान लो कि उसकी थोड़े घंटे बाद मोल्टिंग होनी है, तो उससे पहले का जो टाइम पीरियड होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, उस टाइम पीरियड को हम बोलेंगे एपोलाइसिस बोलेंगे। तो उस टाइम पे जो इंसेक्ट की बॉडी होती है ना, वो ये अपने आप को इनएक्टिवेट कर लेती है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये डिपेंड करता है, हर एक इंसेक्ट का जो टाइम पीरियड है ना एपोलाइसिस का, वो सिमिलर नहीं है, वो सभी का डिपेंड करेगा कि वो कितने घंटे के लिए या कितने टाइम पीरियड के लिए वो अपने आप को इनएक्टिव कर रहे हैं, ठीक है। सो बात करेंगे कि एपोलाइसिस का जस्ट सिंपल मीनिंग क्या है, कि जब क्या होगा, सेपरेशन होने वाली होगी उसकी एक्सोस्केलेटन से, ठीक है, और उसके बाद करेंगे एक्सोस्केलेटन ने किससे सेपरेट होना है, उसके एपिडर्मल सेल्स से। देन बात करेंगे कि जो
जब वो हो जाएंगे ना सेपरेट, उसके विद इन अ 1 और 2 आवर के बाद जो क्यूटिकल है ना उनकी नहीं आएगी और हार्डन हो जाएगी, और जो सॉफ्ट बॉडी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हार्ड बॉडी में, और उनके जो पेल कलर था, फ्रेश और पेल कलर था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डार्कन टैनिंग कलर्ड में, टैंड कलर आ जाएगा, जैसे उनका पहला स्किन कलर था। देन बात करेंगे कि जो एपोलाइसिस होती है ना वो एक्डाइसिस से क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एपोलाइसिस स्टार्ट कैसे होती है, एपोलाइसिस स्टार्ट होती है इनएक्टिव पीरियड से, और ख़त्म कैसे होती है, शेडिंग हो जाना, जब वो ओल्ड क्यूटिकल की शेडिंग हो जाती है, जैसे कि जिस प्रोसेस को हम एक्डाइसिस या मोल्टिंग कहते हैं। एक्डाइसिस और मोल्टिंग सेम वर्ड्स हैं, ये दोनों ही क्या हैं, सानोनियम्स हैं, या हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर स्लफिंग, ठीक है। सो स्लफिंग भी अगर पूछ लिया जाए तो उसका मीनिंग क्या है, सेम ही है। देन बात करेंगे कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज होती हैं जहाँ पर क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है ना एपोलाइसिस का, ठीक है, फॉलोड बाय एक्डाइसिस, ये इंक्रीज कैसे होता है, हार्मोन से, और वो हार्मोन का क्या नाम है, एक्डाइसिन, ठीक है। सो एक्डाइसिस करने के लिए, उस एक्टाइसिस पीरियड को इंक्रीज करने के लिए अगर हमने इंसेक्ट को कोई हार्मोन देना है, या उनकी बॉडी में खुद ब खुद जो सिक्रीट हो रहा है ना बट वो नॉर्मल अमाउंट में हो रहा है, अगर उसको अपने फास्टन करना है कि उसकी जो मोल्टिंग है वो जल्दी से हो जाए, तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने हार्मोन जो है वो कौन सा, एक्डाइसिन, ठीक है, एक्डाइसिस से भी ये वर्ड आया, ठीक है, तो हमने वो हार्मोन उनको दे देना है, तो जिससे कि उनकी जो बॉडी है वो मोल्टिंग कर देगी, एक्टाइसिस कर देगी। देन बात करेंगे कि जो एपोलाइसिस होती है ना, सिंपल एपोलाइसिस का मीनिंग क्या बनता है, कि सेपरेशन होना क्यूटिकल की एपिडर्मिस से, ठीक है, क्यूटिकल लेयर की एपिडर्मिस से, या हम बात कर दें कि जो एपिडर्मिस लेयर है ना उसकी एक्सोस्केलेटन से क्या होना, सेपरेशन होना। नेक्स्ट क्या आएगा कि जब नई क्यूटिकल आ जाती है तो वो ओल्ड क्यूटिकल रिमूव हो जाएगी, ठीक है, और सिक्रीशन क्या होगी, नई क्यूटिकल की होना स्टार्ट हो जाएगी। देन बात करेंगे कि जब डिग्रेडेशन हो जाती है ओल्ड क्यूटिकल की, तभी उसके बाद ही आएगी सिक्रीशन होगी नई क्यूटिकल की। फिर आफ्टर एपोलाइसिस, जब इंसेक्ट एपोलाइसिस हो जाता है और इन द टाइम बीइंग वो मोल्टिंग में आ जाता है, ठीक है, और या हम बोल दें कि वो एक्डाइसिस टाइम पे आ जाता है, तो उस टाइम पे जो इंसेक्ट होगा ना उसे हम क्या बोलेंगे, फेरेट कहेंगे, क्या बोलेंगे, फेरेट बोलेंगे उसे। सो दैट्स ऑल गाइस, आज का ये हमने जो टॉपिक पढ़ा मोल्टिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो नई नोटिफिकेशन है वो आपको शो होती रहे। सो थैंक यू सो मच गाइस।